हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने अपने टेंस कंप्लीट कर लिए थे प्रेजेंट, और जिसमें पास्ट इंडेफिनेट भी था। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की तरफ। गाइस, सबसे पहले जरूरी होता है कि जब भी आप कोई भी टेंस करो तो उसकी पहचान और आइडेंटिटी, आप जो भी कहो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी, जैसे कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई कह रहा है वह नहा रहा था, तो इसमें रहा था जो इसकी आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है गाइस। रहा थे, रहे थे एंड रही थी, तो ये इसकी होगी पहचान या आइडेंटिटी, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब इसमें रूल नंबर देखिए, फर्स्ट क्या है, ये अफर्मेटिव में मतलब सिंपल सेंटेंसेज में देखिए गाइस, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। इसमें कंटिन्यूस टेंस है ना, तो कंटिन्यूस आपने प्रेजेंट में किया है तो उसमें आईएनजी का यूज़ तो होता ही होता है कंटिन्यूस टेंस में मोस्टली, ठीक है। और आप देखिए वाज और वर्ब, ठीक है, इसमें यूज़ होंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ये इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है गाइस। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ये सब आपको पता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, ठीक है गाइस। सब्जेक्ट में देखिए, आप मान लो एग्जाम्पल देखो कोई, आप कह रहे हैं राम खेल रहा था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे गाइस आप, राम खेल रहा था, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए गाइस, राम, राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, खेल रहा था, रहा था आ गया तो ये पास्ट में चला गया, है होता तो प्रेजेंट में जाता गाइस, ये आपको पता ही है। तो था तो पास्ट में जाएगा, तो था है तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खेल रहा है ना, तो ये वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, इसके साथ ही आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। राम वॉज प्लेइंग, राम फुटबॉल खेल रहा था तो आप फुटबॉल लगा देते, क्रिकेट, समथिंग, आप जो भी चाहो एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है गाइस। राम वॉज प्लेइंग, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब इसमें देखिए, राम नहीं खेल रहा था, राम नहीं खेल रहा था, ये किस में आ गया, नहीं में, तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव में। तो गाइस नेगेटिव में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वॉज या वर के बाद नॉट का यूज़ करना है, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, नॉट, ठीक है गाइस। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम वॉज, वॉज के बाद सिर्फ आपको नॉट यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें वॉज प्लेइंग मतलब खेल रहा था, वॉज नॉट प्लेइंग नहीं खेल रहा था, वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है गाइस। इसके लिए सब्जेक्ट यूज़ हुआ प्लस वॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। ये हमारे हो गए अफर्मेटिव और नेगेटिव में, ठीक है गाइस, समझ आई आपको। अब देखिए इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, ठीक है गाइस। ये क्या बन गया हमारा एग्जांपल, किसका, इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में गाइस हमने क्या एग्जांपल बनाया, क्या तुम सो रहे थे, इसकी इंग्लिश आप तब बना सकते हो जब आपको प्रॉपरली पता हो कि हमने क्या यूज़ करना है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो गाइस देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आपको कुछ नहीं करना, रूल याद करना है, ठीक है। आपको पता है अफर्मेटिव में रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज आल्सो सो सिंपल गाइस, बस आपने वॉज या वर पहले लगा देना है, क्या तुम सो रहे थे। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो आपको पता है एक रूल मैंने पहले भी हर एक अपने सेंटेंस में बता रखा आपको, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, क्या यूज़ करना है, वॉज, किसके साथ, ही शीट और सिंगुलर नाउन, और जब होगा आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन होगा तो आपको यूज़ करना है वर, ठीक है गाइस। ये सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना है जब भी सब्जेक्ट हमारा इनमें से हो कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो वर, ही शीट और सिंगुलर नाउन हो तो वॉज, बस गाइस सिंपल है। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्या तुम सो रहे थे। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, तुम है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा, तुम है तो यू,
तू मतलब यू, यू के साथ क्या लगेगा वर, तो देखिए वर यू स्लीपिंग एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस, वर यू स्लीपिंग, यू के साथ वर लगता है एंड स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप एंड आई एन जी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंक्लूड होके, ठीक है गाइस, ये बन गया हमारा ऊपर वाला रूल, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है गाइस। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी सेम एज इट इज़ इसकी जैसे ही है, बस इसमें नोट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव यूज़ हुआ ना वर्ड, तो इसमें वॉज या वर लगा के प्लस सब्जेक्ट भी एज इट इज़, यहाँ तक तो इंटरोगेटिव बन गया सेम, ठीक है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है नोट का, ये आपको याद रखना है, ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है गाइस। अब इसमें एग्जांपल बनाइएगा, जैसे क्या तुम नहीं रो रही थी, क्या तुम नहीं रो रही थी, ठीक है गाइस, ये देखो रही थी, सबसे पहले आपको पता चल रहा है रही थी में तो पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, तुम नहीं रो रही थी, तो ठीक है गाइस तुम आया, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा वर, तो ये लग गया वर यू, देखो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नहीं भी तो पूछा और क्वेश्चन भी पूछा और नहीं भी यूज किया, वर यू नॉट स्लीपिंग एंड क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया गाइज, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको रूल याद करना था एक बारी, ठीक है गाइज, रूल याद करके आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हो, देखिए गाइज हमारा ये सारे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव ये सारे हमने अपने टेंस में कर लिए, ठीक है गाइज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है गाइज, अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख के अच्छे से समझ के अगर आप अपने यूज़ कर रहे हो सेंटेंस बना रहे हो उसको लिख के देख रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे गाइज थोड़े दिनों में, ठीक है गाइज, ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, रूल याद करने हैं, चार रूल है गाइज बस, ये आपने अच्छे से अपना टेंस कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थैंक यू गाइज सो मच एंड अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।